ठीक है, देखते हैं आज क्लॉथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सेफ प्रेस किया, पॉली प्लेन क्यूब ले लिया मैंने। ठीक है, क्यूब लो आप। यहाँ पे क्यूब लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, इसको यहाँ पे वेट को बढ़ा दो यहाँ पे। ठीक है, वेट कैसे जा रहा है यहाँ पे, एंड आपको यहाँ पे हाइट को कम करना है, डेप्थ को बढ़ाना है। ठीक है, अभी मुझे पिलो के लिए एक बेसिक सा साइज लेना है। ठीक है, बेसिक साइज में ऐसा ले सकते हो यहाँ पे। हाइट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया यहाँ पे। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा बात, डिवीजन है मेरे पास यहाँ पे, वेट को मैं डिवीजन में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेट मेरे पास ऐसा गया, डेप्थ मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ गया यहाँ पे। तो बेसिक कोशिश ये करना कि क्वाड रहे, ठीक है, ज़्यादा कुछ और ना लगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़ मैं इस पर टेक्स्टर पहले से असाइन कर लूँगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना, मैं बार बार टेक्स्टर पहले क्यों असाइन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। फाइल पर गए, देन यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लॉथिंग पे गया। ठीक है, सिक्स प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। सेम चीज़ स्विच टू, आपको क्या करना है, मॉडलिंग यूवी पे गए, एंड देन आपने यहाँ पे क्या किया, प्लानर मेथड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, प्लानर। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे आप अप्लाई करके देखो यहाँ पे किस में काम करता है यहाँ पे। ठीक है, एक्स वाई जी किसी पे तो काम करें यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। इज इट पॉसिबल मैं इसको रोटेट कर दूँ, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, रोटेशन मेरे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, रिपीट है रोटेशन, यहाँ पे 45-90 कर दो तो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा पार्ट, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे और स्विच टू एफएक्स, एफएक्स पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, एन क्लॉथ, एन क्लॉथ में क्रिएट एन क्लॉथ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी क्रिएट एन क्लॉथ कर देता हूँ यहाँ पे, क्या करने वाला हूँ, प्ले करूँगा और प्ले करके नीचे जाएगा, वापस आओ। अभी यहाँ पे क्या करो, चीज़ों को मैनेज करो क्या यहाँ पे। ठीक है, इसको मैनेज कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने क्लॉथ यूज़ किया। क्लॉथ में हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे होता है प्रेसर। ठीक है, प्रेसर में देखो यहाँ पे प्रेसर से कुछ काम आएगा क्या, जैसे वेंड है यहाँ पे, सब कुछ है, पहले कोलिजन देख लो, कोलिजन भी है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो प्रेसर से कुछ काम हो मिलता है क्या, हमें थोड़ा सा प्रेसर किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो देख रहे हैं फूला है यहाँ पे। अभी ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ को मुझे रोकना है। और न्यूक्लियर पे गए, न्यूक्लियर मेरे पास यहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेविटी को जीरो कर सकता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक ऑप्शन बताया। ठीक है, कि लाइक हम लोग यहाँ पे कहीं पे चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस मुझे मिलते हैं यहाँ कोलिजन में या इन सब चीज़ों में, डायनेमिक प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे सब कुछ इन पार्ट को देख के हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने क्या, अपना ग्रेविटी को मैंने कर दिया नील जीरो अभी तक यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा पार्ट आप ऐसा कुछ इम्पैक्ट दे सकते हो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रेसर। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक आपका इफेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, पिलो को आपको कैसे देना है, किस टाइप से आपको काम करना है और किस टाइप से चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अभी इसे चाहे टॉफी का रैपर बनाओ, टॉफी का रैपर बनाओ, आप कुछ और बनाओ, चाहे कुछ और बनाओ, आपके यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने काम क्या करी, ये मुझे मॉडलिंग के लिए यूज़ करना है। डब्ल्यू प्रेस किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, और देन यहाँ पे देखो कंट्रोल डी करने पर यहाँ पे क्या मिला, आर4 स्केल। मैं यहाँ पे तो ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देन यहाँ पे आप देखो प्ले करने पर सिर्फ वही प्ले हो रहा है, ये डुप्लीकेट करने पर प्ले नहीं होता। तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को दिखा सकते हो। ठीक है,